मैं डॉक्टर राजेश यादव आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम NMMS के ओल्ड पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे और इन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा से पहले। यदि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर का पैटर्न हमें पता होता है कि किस तरह के प्रश्नों का हमें सामना करना है परीक्षा में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों के पास भी अधिकाधिक शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना पेपर। कि प्रत्येक प्रश्न में एक श्रेणी दी गई और इसमें एक पद गायब है, वो कौन सा पद है वो हम देखते हैं। एक से तीन प्रश्न तक, पहला जो प्रश्न है उसमें 3, 15, 35, 63 और 99 अगला पद क्या आएगा। तो 3 है वो 2 का वर्ग में से 1 माइनस करके है, इस तरह 2 × 4, 4 का वर्ग 4 × 16 में से 1 गया तो 15, फिर 2, 4 के बाद 6, फिर 8, 8 का वर्ग माइनस 1 और 8 के बाद 10 का वर्ग माइनस 1, तो अगली जो संख्या आएगी वो 12 का वर्ग माइनस 1 आएगी। तो 12 × 12 = 144 होता है, 143 हमारा आंसर होगा। दूसरे प्रश्न की बात करें तो 7, 15, 31, 63 और 127, इसमें आगे का जो पद होगा वो हमारा होगा 255। तो आइए देखते हैं कैसे होगा 255। 7 को 2 से गुणा कीजिए 14 और 1 जोड़ दीजिए 15, फिर 15 को 2 से गुणा कीजिए 1 जोड़ दीजिए, सेम यही प्रोसेस चलेगी। फिर 31 को 2 से गुणा कीजिए 1 जोड़ दीजिए, फिर 63 को 2 से गुणा कीजिए 1 जोड़ दीजिए, फिर 127 को 2 से गुणा कीजिए 1 जोड़ दीजिए, आएगा 255। तीसरा प्रश्न है उसमें 1, 2, 6, 24 और 120, इसमें पहली संख्या को 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 2 से गुणा करें, फिर दूसरी संख्या को 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा, 6 से गुणा, इस तरह। तो पहली को 2 से किया, फिर 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, 6 से किया, 6 से करेंगे तो उत्तर हमारा होगा 720। तीसरा ऑप्शन, तीसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन सही होगा। चौथे प्रश्न में इनमें श्रेणी तो दी गई है लेकिन इनमें कोई एक पद अशुद्ध है, वो अशुद्ध पद हमें फाइंड आउट करना है, छांटना है। तो चौथा प्रश्न है इसमें सीरीज है वो किस तरह से बनी हुई है, 4 और 10 के बीच में अंतर है 6 का, ठीक है, 6 × 12 का अंतर यहाँ है, फिर 12 × 24 का अंतर, फिर इसी तरह अगर चलें तो 24 × 48 का अंतर होना चाहिए लेकिन यहाँ 96 में 48 का अंतर नहीं बल्कि 50 का अंतर हो गया है, इसलिए उत्तर हमारा 3 नंबर होगा, 96 उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, पांचवे प्रश्न में 2 सीरीज है, पैरेलल सीरीज है दोनों, किस तरह से कि 1, 9, 25, 49, ये तो वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, विषम संख्याओं का। अब इधर सम संख्याओं का क्यूब है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब और 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 216 सही है, 4 का क्यूब 4 × 16 = 64 ये भी सही है लेकिन 16 गलत है, यहाँ 2 का क्यूब 8 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो गलत है वो हमारा उत्तर है वो होगा 16, ठीक है। छठा जो प्रश्न है वो छठा प्रश्न 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125, ठीक है। तो इसमें एक जो सीरीज बन रही है, देखो 3-3 का पेयर बन रहा है, 5, 5, 25, 25, 125, यानी 5 का वर्ग फिर क्यूब, 4 का वर्ग फिर क्यूब, 3 का वर्ग फिर क्यूब, लेकिन 3 का वर्ग 9 होता है जो नहीं है, तो इसलिए इसका गलत ऑप्शन हो गया 3 नंबर, यानी 10 है वो इसमें गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे हमें मिलता है प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह हैं, एक समूह शेष 3 समूह से किसी दृष्टि से भिन्न है, वो भिन्न है वही छांटना हमें, ठीक है। अब भिन्न कैसे है वो देख लेते हैं। ए, अब ये ABCD जो अल्फाबेट है उसका क्रम है उसको हमें देखना है। ए प्रत्येक का जो वर्ग है उसमें देखें, ए के बाद ई है, उसके बीच में 3 अक्षर है, ठीक है, ई के बाद जो जी आएगा उसमें बीच में 1 अक्षर है, तो 3, 1 और फिर ये जी से वापस रिवर्स चलेंगे यानी -3 करेंगे तो सी आएगा,
ठीक है। इसी तरह थर्ड जो ऑप्शन है इसमें सेकंड में देखें अपन, एच के बाद प्लस तीन करें तो एल, प्लस एक करें तो एन, और माइनस तीन करेंगे तो जे। इसी तरह फोर्थ ऑप्शन में वी जेड के बीच में तीन, फिर जेड और बी के बीच में एक, और बी से रिवर्स चलेंगे तो वही तीन इसमें आएंगे। तीसरे वाला जो ऑप्शन है इसमें ओ के बाद एस तीन, बिल्कुल सबके बराबर है, एस और वी के बीच में दो आ जाते हैं तो एक तो अंतर यहाँ हो गया, और वी से क्यू की तरफ चलते हैं तो जाते हैं, तो हमारा जो अलग हो गया सबसे, तीन में एक पैटर्न है लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है इसमें अलग पैटर्न है, इस कारण से हमारा उत्तर होगा तीन नंबर। आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न में सी, सी के बाद डी ई दो अक्षर छोटे और एफ आ गया, ठीक है, दो का गैप, फिर एफ के बाद, एफ के बाद हम देखें कि एफ से आई तक पहुंचने में फिर दो का गैप, और आई से एल तक पहुंचने में फिर दो का गैप, नहीं दो 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 का गैप, ठीक है, फिर जे के एल एम दो का, एम एन ओ पी दो का गैप, क्यू आर एस वही दो का गैप, सब में दो दो का गैप। चौथा ऑप्शन देखें, ओ ओ के बाद पी क्यू आर दो का गैप, आर एस टी यू, यू के बाद फिर दो का गैप, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है इसमें गैप में अंतर है, लास्ट में जो अंतिम है यहाँ पी क्यू आर दो का है, एस के बाद टी यू ये भी दो का है, लेकिन वी के बाद एक्स तक एक डब्ल्यू आता है, एकमात्र यहाँ पर अंतर एक अक्षर का, इसलिए इनसे अलग हो गया दो नंबर। नवा प्रश्न है हमारा 343 7, तो इसमें मैं आपको सीधा उत्तर बता दूँ, क्या इसमें है क्या कि प्रत्येक जो संख्या दे रखी है वो वर्ग है, जैसे 7 का वर्ग है 343 होता है, 6 का वर्ग नहीं क्यूब, 7 × 7 × 7 क्यूब, इसी तरह 6 × 6 × 6 करेंगे क्यूब करेंगे तो 216 है, 8 का करेंगे तो 512 है, लेकिन 9 का करेंगे तो 29 जो इसमें 243 दे रखे, इसलिए अलग हो गया ये इसका क्यूब नहीं है। दसवां हमारा प्रश्न है उसमें ये मुखिया दे रखे हैं कि बैंक का होता है प्रबंधक, नौसेना का सेनापति और महाविद्यालय का प्राचार्य, लेकिन डाकघर का होता है जो डाकपाल होता है, पोस्टमास्टर होता है, लेकिन इसमें पोस्टमैन दे रखा है, इसलिए हमारा उत्तर होगा 4 नंबर। 11 से 13 के लिए निर्देश हैं कि अक्षर श्रेणी दीजिए, इसमें एक लुप्त पद है जिसे प्रश्न सूचक से दर्शाया गया, उसको बताना है अपने को, तो इसमें हमें देखना है कि वही सीरीज पकड़नी है हमें कि किस तरह से इसमें दिया गया है। इसमें हम देखें कि पहला हरेक का पहला अक्षर का हम देखें तो आगे बढ़ेंगे, डी के बाद कितने अक्षर छोड़ के आता है, डी के बाद हम देखें तो के तक ना एफ 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 प्रत्येक का पहला अक्षर यूं यूं और यूं, इसी तरह पहला अक्षर अगला आ जाएगा, तो डी डी के बाद एक छोटा एफ, एफ के बाद एक छोटा एच, और एच के बाद आई छोटा जे, और जे के बाद के छोटा अगला अक्षर हमारा होगा एल, ठीक है। दूसरे अक्षर में विपरीत क्रम में चलेंगे, के से पहले जे, जे से पहले आई, आई से पहले एच, और एच से पहले जी, ये हमारा जी आ जाएगा। अंतिम जो अक्षर है वो फिर सीधी तरफ चलेगा दो दो अक्षर छोड़ते हुए, एम के बाद दो छोड़ दिए एन ओ, फिर पी आया, पी के बाद दो छोड़ दिए क्यू आर, फिर एस आया, फिर एस के बाद दो छोड़ दिए टी यू, फिर V आया, और V के बाद दो छोटे W X, फिर आया Y, तो L G Y जहाँ है वो चौथा ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। क्लियर, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, यही पैटर्न इनमें है। अब मैं इनको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। 12वां है, 12वें प्रश्न में पहले में रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स P से पहले O, O से पहले N, N से पहले M, N से M से पहले L, एल चूंकि चारों में है इसलिए अगला भी अक्षर हमें देखना है, एम एम ये सीधी तरफ है, एम के बाद एक छोटा ओ, ओ के बाद एक छोटा फिर क्यू, क्यू के बाद आर छोड़ दिया एस, एस के बाद टी छोड़ दिया यू, एल यू, अब एल यू शायद एक में ही, तो हमारा उत्तर हो जाएगा एक, लेकिन तीसरा अक्षर भी देखते हैं हम, तीसरा अक्षर फिर रिवर्स है,
टी, टी से पहले एस, एस से पहले आर, आर से पहले क्यू, क्यू से पहले पी, एल यू पी। तो हमारा आंसर हो गया एक नंबर, एल यू पी। ठीक है, चलिए तेरहवां प्रश्न है। तेरहवें प्रश्न में डब्लू, डब्लू से पीछे दो छोटे अक्षर यू वी और टी आ गया, टी से पहले दो छोटे आर एस, क्यू आ गया, क्यू से पहले ओ पी छोटे और एन आ गया। ठीक है, एन तीन में है। चलिए दूसरा भी देखते हैं, एफ 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 के बाद में अगला जी, जी के बाद में एच और एच के बाद में आई, आई ठीक है, एन आई, एन आई भी वो दो जगह है भाई। चलिए तीसरा देखते हैं, बी, बी के बाद में एक छोड़ के डी और डी के बाद में एक छोड़ के दो छोड़ के, दो छोड़ के जी और जी के बाद में फिर एक दो और फिर तीन, तीन छोड़ के एक दो तीन, जी के एच आई जे को छोड़ के। तो हमारा जो उत्तर होगा एन आई के और दो नंबर हमारा उत्तर इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौदहवां प्रश्न है, चौदहवां नहीं, चौदह से सोलह तक त्रिभुज दिए गए, उनके अंदर बार विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें जो है उसको हमें बताना है। चलिए देखते हैं, चौदहवां प्रश्न है, इसमें नियम क्या है, नियम देखते हैं। पाँच का वर्ग किया, तीन का वर्ग किया, एक का वर्ग किया, पाँच पाँच पच्चीस, तीन तीन नौ और एक एकम एक, सबको जोड़ा, पच्चीस से दस पैंतीस, ये पैंतीस आ गया। इसी तरह इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, एक सौ उनतालीस आ गया। इसका वर्ग किया, ठीक है, ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्कीस, एक का एक, तीन तिया नौ, नौ और एक दस, एक सौ इक्कीस और दस एक सौ इकतीस, उत्तर होगा एक नंबर। यानी हम ये कहें कि इनकी बाहर की संख्याओं का वर्ग करें, उनको जोड़ दें हम, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पंद्रहवा प्रश्न है, पंद्रहवें प्रश्न में बाहर की जो संख्याएं हैं ये चारों तरफ की, इनको जोड़ के अंदर लिखा गया है, तो बाहर की इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो अंदर का जो हमारा उत्तर होगा वो सौ होगा। ठीक है, चलिए सौ चौथा आंसर हमारा हो गया इसमें, सौ। सोलहवां जो प्रश्न है, इसमें हम इन सभी को जोड़ेंगे, बाहर वाली संख्याओं को जोड़ के और डिवाइड करेंगे तीन से। ठीक है, तो 19, 20, 30 और तीन 33, 33 को तीन से डिवाइड किया तो उत्तर हमारा हो गया 11। 17 से 19 के लिए अक्षर श्रेणी में कुछ गायब है, इनमें हमें ध्यान देना है कि काल्पनिक रूप से कुछ अक्षर भर के देख लेने, किस तरह से सीरीज बन रही है उसी को हमें देखना है। ठीक है, अब पहले 17वें प्रश्न में उत्तर हमारा होगा एक नंबर, 18वें में होगा चार नंबर और 19वें में हमारा होगा दो नंबर। अब देखिए कैसे सीरीज बनेगी, एक बार मान लो हमने अपना उत्तर यही मान के या कैसे भी करके हमने देखा इसको, तो ए बी सी, सी बी ए, ए बी सी, सी बी ए, येलो ए बी सी, सी बी ए, ए बी सी, सी बी ए, इस तरह 17वें बन गई। 18वें में, 18वें बनती है सी ए, सी ए बी, फिर सी ए बी, 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 इस तरह से। ठीक है, 19वें में ए भरा, फिर ए भरा और फिर बी भरा और फिर बी भरा, हम पढ़ के देखेंगे अब इसको, ए बी ए ए ए, बी ए ए ए, बी ए ए ए, बी ए ए, यानी तीन बार ए फिर बी, फिर तीन बार ए फिर एक बार बी, इस तरह से हमारा उत्तर होगा दो नंबर। 20 से 22 के लिए इनमें एक वर्ग, जो एक खंड खाली है उसको हमें भरना है। इसमें क्या नियम है कि चार को 16 से गुणा किया 64 आया, तीन को 9 से गुणा किया 27 आया, तो चार को दो से गुणा करेंगे तो चार दूनी आठ, हमारा उत्तर होगा तीन नंबर। अगला जो प्रश्न है इसी तरह का है, इसमें हम एक और दो को जोड़ेंगे, पाँच और आठ तेरह
और उसमें दो कर देंगे, जोड़ देंगे 15। 5 और 3 8 और दो जोड़े 10। 9 और 4 13 और दो जोड़े 15। तो उत्तर होगा हमारा 15। अगला जो प्रश्न है उसमें पहले को दूसरी से गुणा किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तो 20 और 30 को गुणा किया, 3 दूनी 6 600 और 2 से डिवाइड किया, तो उत्तर होगा हमारा 300। 4 नंबर उत्तर हमारा सही होगा। 23वां प्रश्न पूछ रहा है कि अंक के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो 3 के विपरीत पृष्ठ पर 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, तो बच गई कौन सी, 6। तो हमारा उत्तर होगा 4, क्योंकि 3 के साथ जो दिख रही हो तो उसके विपरीत हो ही नहीं सकती है, और 6 है वो इसके विपरीत है, वो इसके विपरीत आ जाएगी जो इस पर नहीं दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है? तो 24वां प्रश्न है अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो 6 के साथ हमें दिखाई दे रही है 3 1 और 5, हमारे सामने ऑप्शन बच गए 2 या 4। अब इसमें हमें देखना है 2 या 4। तो सबसे पहले हम देखें भाई 2 किस किस के खिलाफ हो सकता है। 3 के खिलाफ देखें हम, 3 के पीछे कौन हो सकता है, तो 3 के पीछे 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 के पीछे 6 नहीं हो सकता, 3 के पीछे 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब 3 के पीछे कौन होगा, 2 होगा। तो 2 3 के पीछे है तो 6 के पीछे नहीं हो सकता, इसलिए 6 के पीछे जो होगा वो अंक होगा 4 और हमारा उत्तर होगा 3 नंबर। 25वां प्रश्न है एम एन का पिता है और एल है वो एम का भाई है तथा पी एल की माता है, तो एन का पी से क्या संबंध है। इसका संबंध होगा पोता, जो एन है वो पी का पोता होगा। 26वां प्रश्न है इस श्रेणी में कितने 8 है जिनके ठीक पहले 5 है परंतु ठीक बाद में 3 नहीं है। 8 है यहाँ, 3 है, 5 एक तो ये है, ए 8 कितने हैं, 8 ये भी है, 5 पहले है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ भी है 8 और यहाँ भी है 8, ठीक पहले 5 है लेकिन इसके पास नहीं, 1 2 3 4। तो हमारा उत्तर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है हमारा 27वां, सोहन पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर जाता है फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो इसका हम डायग्राम अगर देखें तो सोहन पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर जाता है फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है फिर वहाँ से पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। अब उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है वो ये है, ठीक है, ये जब 3 किलोमीटर है और ये 7 है ये 11 है, तो 11 में से 7 गए तो 4 किलोमीटर, तो ये हो गई इसकी स्थिति। यानी हमारी जो स्थिति बन गई वो इस तरह बन गई, जिसमें 3 ये है 4 ये है, ये हमें पता करनी है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, जो कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार यहाँ है हमारा 4, तो 4 चौक 16 और लंब है 3 3 3 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्ग जब हम करेंगे तो उत्तर होगा 5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो पहला ऑप्शन हमारा सी। अगला प्रश्न हम देखें 28 से 29 के लिए है कि इनमें लुप्त पद को ज्ञात करना है। लुप्त पद 1, ठीक है, 1 में 1 प्लस किया 2 हो गए और 2 का वर्ग 4। 8 में 1 प्लस करेंगे 8 और 1 9, 9 का वर्ग होगा 81, तो उत्तर होगा हमारा 81। इसमें सारी अभाज्य संख्याएं, एक छोड़ एक अभाज्य संख्या है, 11 के बाद अभाज्य संख्या होती है 13, उसको छोड़ दिया, उसके बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद अभाज्य संख्या होती है 23, 23 को छोड़ के, और यहाँ उत्तर होगा हमारा 29। अगला प्रश्न है 30वां कि दिए गए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। त्रिभुजों की संख्या इसमें होगी 16,
चौथा ऑप्शन सही है। 31 से 32, 33, 34 इनके लिए ये सांकेतिक है। इसमें हमें देखना है भाई किस वर्ण के लिए कौन सा वर्ण यूज हुआ है। तो इसमें मैं आपको सीधे उत्तर बता देता हूँ, आप एक बार देख लें, यदि नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एल के लिए जी का प्रयोग हुआ है, ए के लिए डी का प्रयोग हुआ है, और ओ के लिए एन का प्रयोग हुआ है, और के लिए एच का प्रयोग हुआ है। तो ये ऑप्शंस हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। 35 से 60 के 36 के लिए है, जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। 35वां प्रश्न है, मैं मंडे जो लिखा हुआ है इसके लिए जल प्रतिबिंब होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, इसमें इसके लिए प्रतिबिंब जो दूसरा है वो सही होगा, 36वें में दूसरा ऑप्शन सही है। 37 से 39 में निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक में चार चार चित्र दिए, एक चित्र अन्य से मेल नहीं खाता, उसको देखना है हमें। तो 37वें में तीसरा ऑप्शन है, 38वें में दूसरा ऑप्शन है, और 39वें में चौथा ऑप्शन है। 40वां प्रश्न है, उसमें 40 से 42 में दिया है कि इनमें अगला जो बताना है इसी क्रम में अगला कौन सा आएगा। तो 40वें में डी दिशा में इनको घुमाया गया है, एक एक आकृति बंद करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं एक एक लाइन। तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा उत्तर होगा एक नंबर। 41वां प्रश्न है, 41वें प्रश्न में इसी तरह से अगर हम देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। 42 नंबर में प्रश्न में हम देखें कि 42वां प्रश्न पहले वृत्त है, फिर बाईं तरफ से काटा, फिर दाईं तरफ से, फिर नीचे से काटा, फिर ऊपर से काटा, तो हमारा उत्तर होगा चार नंबर। 43 से 45 में दिया गया है कि कुछ संबंध है, वही संबंध अगली में आकृति में है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस आकृति को घुमा के और डबल किया गया, तो इसको भी जब कॉर्नर की तरफ घुमा के हम डबल करेंगे तो उत्तर हमारा तीन नंबर होगा। अगला जो प्रश्न है 44वां, इसमें जो उत्तर है हमारा वो चार नंबर होगा। और 45वां जो प्रश्न है, 45वें प्रश्न में जो हमारा उत्तर होगा वो तीन नंबर होगा। आगे हिंदी के प्रश्न आते हैं। हिंदी के प्रश्नों में संविधान शब्द में निम्नलिखित में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग हुआ, दूसरा ऑप्शन सही है। मनस्विनी शब्द का अर्थ है उच्च विचार वाली, तीसरा ऑप्शन सही है। 48वां है, चौथा निम्नलिखित वर्तनी दृश्य सही शब्द है, भक्ति है। 49 नंबर का जो प्रश्न है, समाज उत्थान शब्द का संधि विच्छेद है, समाज प्लस उत्थान, पहला ऑप्शन सही है। खालिस्तान के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम, तीसरा ऑप्शन सही है। मैन के नाम से जाने जाते हैं, 51वां प्रश्न है। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है आश्चर्य करना, तीन नंबर ऑप्शन सही है। सुदामा के मित्र निम्नलिखित में से हैं, सुदामा के मित्र भगवान श्री कृष्ण, चौथा ऑप्शन सही है। वह नीले घोड़े का सवार, वह हल्दी घाटी का जुझार, पंक्ति का संबंध किससे है, ये महाराणा प्रताप से है, दूसरा ऑप्शन सही है। हरि तुम हरो जन की पीर को लिखा है, किसने लिखा है, ये गीत लिखा है मीराबाई ने, एक नंबर ऑप्शन सही है। राम पांचवी कक्षा में पढ़ता है, यह रेखांकित शब्द है, यहाँ रेखांकित शब्द पांचवी विशेषण है, पहला ऑप्शन सही है। गाओ विश्वस्य मातर है, गाय के लिए शब्द कहे हैं ऋषि मुनियों ने कहे हैं, चौथा ऑप्शन सही है। ये 58वां प्रश्न है, ये चिन्ह किसका है, ये इसका नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला प्रश्न, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है खट्टा आम, अरे शब्द में कारक है, अरे में संबोधन कारक है, ये एक गद्यावतरण दिया गया है, इसके आधार पर प्रश्नों को उत्तर देने हैं। मित्रता उमड़ती है, आप देख सकते हैं मित्रता हृदय से, इसमें दे रखा है हृदय से उमड़ती है, कैसी अनुरक्ति होती है, पंक्ति में रेखांकित पद का विलोम होगा, अनुरक्ति का विरक्ति, दो नंबर ऑप्शन सही होगा। कितनी जल्दी बातें लगती हैं, रेखांकित शब्द का अभिप्राय है चुभना। छात्रावस्था में कौन सी धुन सवार रहती है, मित्रता की, चौथा ऑप्शन सही है। 65वां प्रश्न की बात करें तो बाल मैत्री में किस प्रकार आनंद बताया गया है, बाल मैत्री में मग्न करने वाला आनंद बताया, एक नंबर ऑप्शन सही है। 66 में पद्य के आधार पर उत्तर देने, 66 से 70 तक,
66वां जो प्रश्न है, पगा का अर्थ है पगड़ी, चौथा ऑप्शन। दीनदयाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, श्री दीनदयाल ये भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है, एक नंबर ऑप्शन सही है। इस पद्य की रचना किसने की है, इस पद की रचना की है नरोत्तम दास ने, दूसरा ऑप्शन सही है। दुर्बल का विलोम शब्द है, दुर्बल का सबल, तीसरा ऑप्शन सही है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो इस पद में आया है वो है वसुधा, पहला ऑप्शन सही है। अब जो प्रश्न है लास्ट के 20 प्रश्न वो इंग्लिश के हैं, इस पैराग्राफ के आधार पर 71 से 74 नंबर प्रश्न तक हैं। हु वाज द मोस्ट पॉपुलर एनिमल इन द जू, इसका आंसर है टाइगर, एक नंबर। अगला है हल्लू द गिब्बन लाउड येलिंग, तो सही है। अगला प्रश्न है हल्लू बिगेन टू फील लोनली बिकॉज, तीसरा ऑप्शन है हिज फ्रेंड वाज सेंट टू अनदर जू। अगला प्रश्न है द चिल्ड्रन ट्राइड टू मेक एंग्री टू द टाइगर, दूसरा ऑप्शन सही है। 75 अगला प्रश्न है, 75 क्षेत्र इनमें करेक्ट आर्टिकल्स हैं, ही इज द, तीसरा ऑप्शन सही है। क्षेत्रवा में संगीता वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, इसमें प्रीपोजिशन भरनी है, प्रीपोजिशन से यस आई नो हाउ टू, दूसरा ऑप्शन सही है। 78 में हम एट दिस मोमेंट सडन शाउट ऑफ जॉय, चौथा ऑप्शन सही है। चूज द डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइंड लेटर्स, लंच फैच चेंज स्टमक, तो तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। लाउड अबाउट अराउंड थॉट, चौथा ऑप्शन सही है। 81 नंबर में फ्रीडम का अपोजिट, फ्रीडम का अपोजिट है स्लेवरी, फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता, स्लेवरी यानी दासता। स्ट्रोंग का अपोजिट है, अगला प्रश्न है स्ट्रोंग का अपोजिट होगा वीक, दूसरा ऑप्शन सही होगा। चूज द वर्ड विच इज मिसस्पेल्ट, इसमें कंप्यूटर TER होता है, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ट करेक्टली, इसमें करेक्टली कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेशन, बाकी प्रोफेशन सारी स्पेलिंग गलत है, PROFESSION। 85-86 में है वर्ड विच हैव सिमिलर मीनिंग, प्रेज, प्रेज का एडमायर होता है, प्रशंसा एप्रिशिएट दोनों है, तो इसका 85 का चौथा नंबर आंसर होगा। 86 एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का सरप्राइज्ड पहला ऑप्शन सही होगा। अगले दो प्रश्न हैं उनमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स में के लिए करेक्ट करना है। ए प्लेस वेयर वी कीप आवर मनी सेफ, ये बैंक होता है, दूसरा ऑप्शन। और मेकिंग वाटर एयर सोइल ETC डेंजरसली इम्प्योर और अनफिट फॉर अस, ये पोल्यूशन होता है, तीसरा ऑप्शन सही है। अपोजिट जेंडर हमें बताने हैं, चूज द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स, वाइफ का हस्बैंड और किंग का क्वीन। प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा 2017 का मैट का पेपर, और इसी तरह के पेपर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी और पेपर के साथ, तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।